इसलिए इस रबर को लगाया जाता है। हमारे चैनल में फैब्रिकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग अब हमारे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिर से नई वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं पॉलीकार्बोनेट शीट का सेट कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। इसमें जो बीम लगा हुआ है वह बीम आप देख सकते हैं, इसको हमने फास्टनर लगा के यहाँ पे लॉक किए हैं। 10 mm का फास्टनर है और इस तरफ भी जो है फास्टनर लगाया गया है। इस तरह से इस तरफ जो है फास्टनर लगा के टाइट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है पिलर नहीं दिया गया है, फास्टनर पर ही है यह सेट का पूरा लोड। एक साइड 4 फास्टनर लगाए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पिलर दिए हैं, खंभा दिए हैं, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। दोस्तों दूसरा जो है खंभा इस तरफ दिए हैं, आप देख सकते हैं यह जो है 1.5 इंची का राउंड पाइप है। दोनों पाइप को मिला के इसमें ग्रिल पट्टी लगाए हैं जो कि आप देख सकते हैं और नीचे इस तरह से जो है इसमें फास्टनर लगा के लॉक कर। इस तरफ आप देख सकते हैं फास्टनर पे लगाए हैं और इस तरफ जो है यह पिलर पे लगा हुआ है और साइड से यह हमने सीट लगाए हैं। यह जो है 2 फीट का सीट दिया गया है ताकि ऊपर का जो पानी गिरेगा तो अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको 2 फीट पे यह सीट लगाया गया है। इस साइड भी है और उस साइड भी है जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों यह सेट बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइप बेंड करके लगाए हैं। इसका आपको सेंटर हाइट बता दूं, यह 3 फीट इसका सेंटर हाइट है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने 4-4 फीट पे पाइप लगाए थे जो कि यह जो सीट आता है वह सीट 4 फीट का ही आता है, चौड़ाई 4 फीट रहता है और उसके बाद जो है बीच में जो है 2-2 फीट पे ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसको लगाए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरफ का पिलर है, यह पिलर भी वही सेम है 1.5 इंची का पाइप में, दोनों को टच करके इसमें ग्रिल पट्टी लगा के वेल्डिंग किए हैं और इसमें नीचे वेल्डिंग कर दिए हैं फास्टनर लगा के। 2 फीट का इधर भी सीट लगाया गया है। दोस्तों यह स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमने पाइप का इस्तेमाल किया है उसका साइज आपको बता दूँ, यह 1.5x1.5 का स्क्वायर पाइप है, चौकोर पाइप है जिसको हमने बीम भी बनाए हैं और जो आर्च आप देख रहे हैं यह आर्च भी इसी से बनाया गया है। दोस्तों बीम का साइज़ बता दूं आपको, बीम का जो हाइट है वो 8 इंच का है आउटर टू आउटर और इसका लंबाई जो है वो 16 फीट है। इस तरह से आर्च भी बेंड किए हैं, यह जो है हाथ से ही मैनुअल मशीन जो आता है वह मशीन से हमने हाथों से बेंड किया था तो इस तरह से उसमें भी बड़ी आसानी से बेंड हो जाता है। वह मशीन जो है उसमें राउंड और स्क्वायर दोनों बेंड होता है, यानी कि उसका जो व्हील होता है खाली चेंज करना पड़ता है। इस तरह से हमने इसको बेंड करके इसमें लगाए थे। दोस्तों इसमें कुल पाइप जो है वह 19 लेंथ लगा हुआ है, 19 पीस। इस तरह से 19 पीस में यह स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। यह जो आर्च बना हुआ है यह जो है इसमें टोटल इसकी लंबाई जो है वो 18 फीट है, यानी कि यह जो आर्च देख रहे हैं यहाँ से लेकर के उस एंड तक जो है 18 फीट का सीट इसमें लगा हुआ है जो कि 4 फीट का चौड़ाई आता है और लंबाई में जो है 18 फीट का सीट लगाए हुए हैं जो कि 4 पीस लगा हुआ है और यहाँ पे जो है 2 फीट का लगाया गया है। इस तरह से इसका आपको थिकनेस बता दूं दोस्तों, 1.6 mm का है, ये पॉलीकार्बोनेट क्रिस्टल सीट इसको बोला जाता है। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें हमने जॉइंट पे यही जो है एल्युमिनियम जो बीट इसको बोला जाता है वो लगाए हैं और इस तरह से जो है यह साइड को आपको हम दिखा रहे हैं, ऊपर भी इसी तरह से जो है लगाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। यह जो आप देख रहे हैं इसमें रबर लगाया गया है
जो कि ये रबर जो है इसके अंदर में ही स्क्रू लगा हुआ है और इसको ऊपर से रबर लगा दिया जाता है। ये तो साइड का है, अगर ऊपर का रहेगा तो यहाँ से पानी जो है यहाँ से पानी अंदर नहीं जाएगा, इसलिए इस रबर को लगाया जाता है। और दोस्तों इसमें 12 पीस यह जो आप एल्युमिनियम का बीट देख रहे हैं वह बीट जॉइंट के ऊपर लगाया गया है, 12 पीस है जो कि 12 फीट का आता है। हमने जहाँ पे जॉइंट है वहीं पे दिए हैं, बाकी बीच में जो एक पाइप है उस पाइप बीट की साइज 1.5 इंच का है। यह आपको 1.25 इंच में भी मिल जाएगा, लेकिन 1.5 इंच वाला लगाएं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों यह सेट बनाने में टोटल खर्चा 80,000 रुपये हुआ है, जिसमें हमारा लेबर और टोटल मटेरियल सभी मिला के। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल में फैब्रिकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, स्टेयर, शेड, गेट, ग्रिल, स्टील का हैंड ग्रिल, आप लोग अब हमारे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं।